एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्री भगवान बोले, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशम् नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषः शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। अर्जुन बोले, कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? श्री भगवान बोले, अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्री भगवान बोले, वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। श्री भगवान बोले, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्री भगवान बोले, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्री भगवान बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्री भगवान बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री भगवान बोले, श्रद्धावान न सुयश्च श्रणु यादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। श्री भगवान बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।
अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा पद प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। Thank you.